गोश्त गली से निकल रहे थे कि वो एक छोटी छोटी गलियां है वहाँ पर, एक मशहूर है वहाँ की एक मार्केट गोश्त गली, तो वहाँ से हम गुजर रहे थे। दो तीन लेडीज के पास एक बच्ची थी, बच्ची बहुत ज्यादा तो लड़ने पे उतर आई मतलब, और वहाँ से जब मैंने मोबाइल निकाला अपना कि मैं आपको बताती हूँ रुके बच्ची छोड़े, तो वो लोग वहाँ से दादा को सलाम करता हूँ, माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है और अल्लाह पाक इनको और भी कामयाब कर रहा है कि मैं इस बच्ची को नहीं जाने दूंगी, आप बताएं इसकी मम्मा कहाँ है, आप इसे कहाँ से लेकर आई है, कहाँ से हमारी फौरन पहुंची है वहाँ से, हमारे जो कैमरा मैन थे, जो हमारी टीम है, फौरन उन्होंने एक्शन लिया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि फौरन हमारी टीम ने वर्क शुरू कर दिया अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाम सिटी में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस इंसानी हकूक के लिए काम करता है, इंसान की पाजीदारी के लिए काम करता है। तो आज हमारी ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस की टीम एक मुस्तैक बेबस लाचार घराने राशन तकसीम करने गई थी, तो रास्ते में कुछ वाकया हुआ है, तो हमारे साथ राव सना मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप आज एक मुस्तैक घरानों में राशन तकसीम करने गई थी, तो आज क्या वाकया हुआ आपके साथ रास्ते में? जब हम लोग जा रहे थे तो गोश्त गली से निकल रहे थे कि वो एक छोटी छोटी गलियां है वहाँ पर, एक मशहूर है वहाँ की एक मार्केट गोश्त गली, तो वहाँ से हम गुजर रहे थे। दो तीन लेडीज के पास एक बच्ची थी, बच्ची बहुत रो रही थी, तो जब हम उस बच्ची से पूछा है तो वो औरतें जो थी ना तो लड़ने पे उतर आई मतलब, और वहाँ से जब मैंने मोबाइल निकाला अपना कि मैं आपको बताती हूँ रुके बच्ची छोड़े, तो वो लोग वहाँ से भाग गए बच्ची को छोड़ गए। तो तकरीबन डेढ़ घंटे तक मतलब वो बच्ची को अपने साथ लेकर जा रहे थे और आपने देखा आप उनसे लड़ी? जी, हमने रोका बच्ची को कि मैं इसे बच्ची को नहीं जाने दूंगी, वो लोग तो भाग गए। मैंने मोबाइल निकाला अपना कि मैं इसे बच्ची को नहीं जाने दूंगी, आप बताएं इसकी मम्मा कहाँ है, आप इसे कहाँ से लेकर आई है, कहाँ से मिली है ये आपको, तो वो लोग तो वहाँ से भाग गए। उसके बाद हम लोग जो हमारी टीम है ह्यूमन राइट्स की, वो उस बच्ची के साथ खड़ी रही एक घंटे तक, जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आए तो हमने उस बच्ची को नहीं छोड़ा, किसी के हवाले नहीं किया। जब उसके पेरेंट्स आ गए हमने उनकी वीडियो बनाई है कि ये माँ बाप है, उस माँ बाप से पूछा है, बच्ची से पूछा है, तो हमने उनके हवाले किया। मतलब जिनकी बच्ची थी आप बच्ची उनको हवाले करके आ चुकी है? जी, मैंने उनके हवाले बच्ची कर दी थी कि हमारी टीम आपको पता है हरदम साथ होती है, ह्यूमन राइट्स तो सबके साथ है, गरीबों के साथ, लाचारों के साथ, बेबसों के साथ, कोई मुश्किलात में फंसा हो तो उनके साथ हम हर वक्त तैयार हैं। अच्छा नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा तो आज का ये वाकया यूं हुआ कि किसी घर राशन तकसीम करने हमारी ह्यूमन राइट की टीम गई थी, तो दो औरतें छोटी बच्ची को भगा कर ले जा रही थी, तो सना मैम ने देखा तो उन्हें पकड़ा और उनके साथ लड़ी झगड़ी। तो मैं इनके दाद को सलाम करता हूँ, माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है और अल्लाह पाक इनको और भी कामयाब करे। आप और कुछ कहना चाहेंगी? मैं अपनी टीम को ही कहना चाहूँगी, माशाल्लाह से फौरन से हमारी टीम फौरन पहुँची है वहाँ से, हमारे जो कैमरा मैन थे, जो हमारी टीम है, फौरन उन्होंने एक्शन लिया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि फौरन हमारी टीम ने वर्क शुरू कर दिया अपना, तो इसलिए बच्ची माँ बाप के हवाले कर दी गई है, अल्लाह का शुक्र है, वरना बच्ची आज पता नहीं कहाँ रुल जाती है, क्या होता उस बच्ची के साथ, 6-7 साल की बच्ची थी। अच्छा नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता हूँ चलूँ कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, आप अपने बच्चों को यूं ही रास्तों में ना छोड़ा करें। रमज़ान का मुबारक महीना है, तो अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।